मनप्रीत की माता मनजीत कौर हैं, देख सकते हैं उनके हाथ में दो दो रिमोट है इस वक्त, खुशी है उनके चेहरे पे। हालांकि जब ये मैच देख रही थी उस वक्त ये थोड़ी सी टेंस थी, उदास भी थी जैसे जैसे गोल्स हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे भारतीय टीम की जो स्थिति है वो अच्छी होती गई, इनके चेहरे पे रौनक आती गई, लोग आ रहे हैं, पड़ोसी आ रहे हैं, इनका आशीर्वाद ले रहे हैं। अब इनसे पूछ लेते हैं कि वो क्या महसूस कर रही है। अब बताइए, मैच तो जीत लिया माता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश है मैं, बहुत ज्यादा खुश है। सब मेरे परिवार दे देखो आंदे आ मैनू बधाइया देना, मां नू बच्चे ओदे नाल जेडे उतो सीनियर प्लेयर आ उन्हां नू किन्नी खुशी आ, ओ सारे आउण डए आ बधाइया देना। ते बड़ी अरदासें आपने की थी सुना, अखंड साहब का पाठ भी करेंगे? हां जी हां जी, ओ हजूर साहब करावांगे अखंड पाठ। ओथे पहला भी घर वापसी होगी, क्या कैसे मनाएंगे उनकी ये खुशी? ए ते जश्न मनावांगे, जश्न मनावांगे। थोड़ा बता दीजिए, जो सफर था मनप्रीत का किस तरह का था? बचपन से हॉकी खेलना शुरू किया या इस मुकाम तक पहुंच गए? वो बचपन तो ही हॉकी खेलता सेगा, छोटा जा 7 साल दा सेगा जदों खेलता से। किस तरह का पैशन था, कैसे शुरुआत की थी, थोड़ा याद कर लीजिए। इन्ना मुंडिया नु पता, यही मेनू कहंदे सी भाई ए तुसी हुण टीवी ते देखिया करो, इनू ग्राउंड च ना देखिया करो। मैं कहंदी सी भी ये करूगा की ये, ये कहंदे सी नहीं तू माता टीवी चे, ता टीवी चे मैं देख दे होना। तो भी लास्ट आपकी उनसे बात कब हुई थी, क्या बोला था? आज सवेरे हुई सी। अच्छा, क्या बोलते हैं? बोलता सी कि मैच खेडन जाना सवेरे सवेरे, उन्हें बेचारे ने की कहना सी मैनू। तो आपने कैसे आशीर्वाद दिया? मैं उनका गॉड ब्लेस ऑल दी बेस्ट, हां जित के आना। थोड़ा पंजाबी च बोल दो, थोड़ा पंजाबी च हौसला अफजाई कर दो, हल्ला शेरी कर दो टीम दी। मैं तो कहनी मेरे को टीम हो, मैं घोर घोर ढिड ना लावा उन्होंने, जप्पियां पावा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। मनप्रीत की माता बेहद खुश हैं इस वक्त, इनके चेहरे पर रौनक है, जयकारे लगाए जा रहे हैं, मिठाई यहाँ पर बांटी जा रही, रिश्तेदार आ रहे हैं, पड़ोसी आ रहे हैं, बधाइयां उनको मिल रही है। हमें बता रहे थे कि किस तरह से मनप्रीत बचपन में एक दिन कहा करते थे कि एक दिन आप उनको ग्राउंड में नहीं, आप टेलीविजन पर भी देखोगे। आज वो जो घड़ी थी वो आ गई, सबने उसको विटनेस किया, किस तरह से भारतीय टीम ने आखिर तक दम खेला, दम से खेला और भारत को ब्रोंज मेडल जिताने में मदद की। सब पहले टेंस थे, उनके चेहरों पे भाव बदल रहे थे, कभी खुशी हो रही थी और कभी उदासी छा रही थी, लेकिन अब वो खुश हैं, बेटे के आने का इंतजार है, लौटने के इंतजार में खुशियां मनाई।